हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों के इतने प्यार के लिए, आप लोगों के अच्छे कमेंट के लिए। लेकिन आज मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को गलत फहमी हो गई है कि मैंने जो आज दोपहर वीडियो बनाई थी उसको लेकर कुछ गलत फहमी हो गई है कि मैंने परवीन का साथ छोड़ दिया है। लेकिन गलत फहमी शायद उन्हीं लोगों को हुई है जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो अच्छे से वॉच नहीं की। तो मैंने उसमें तक कुछ नहीं बोला कि मैंने परवीन को सपोर्ट नहीं किया है, परवीन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं, मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ, मैं ज्योति के साथ हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने सिर्फ सीधी सी एक बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि सारी गलती ज्योति की है, इन दोनों की गलती है और इन दोनों गलती सजा मिल गई है बच्चों को, ठीक है। लेकिन शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसा आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने परवीन का साथ छोड़ दिया। तो मैंने परवीन का साथ नहीं छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ परवीन सही है उसको सही बोला है, जहाँ ज्योति सही है उसको वहाँ सही बोला है, ठीक है। परवीन यहाँ पर गलत है तो अगर हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं परवीन को, तो अगर वो कहीं गलत जा रहा है तो उसको वो बताना भी जरूरी है कि वो वहाँ पर गलत जा रहा है। लेकिन दोनों तरफ से गलती होती है, एक तरफ से तो गलती है नहीं कि एक सिर्फ एक बंदे की गलती है, गलती तो दोनों की है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हो। देखो जिसकी गलती दोनों की है ना, सिंपल सी बात है, किसी की ज्यादा। मैंने स्टार्टिंग से मैं हमेशा यही बोलती आई हूँ कि गलती दोनों की है, किसी की थोड़ी है तो किसी की ज्यादा है। तो उन इस गलती की सजा इन बच्चों को मिल रही है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। और ज्योति, ज्योति तो सच में मैं बताऊँ ना तो माँ के नाम पर वो कलंक है, एक धब्बा है, ठीक है। मतलब एक जो एक जानवर होते हैं ना, उन्हें भी अपने बच्चों से प्यार होता है, लेकिन इस लड़की को अपने बच्चों से इतनी सी भी हमदर्दी नहीं, इतनी सी भी हमदर्दी। आप लोगों ने कल देखा भी होगा, ज्योति कोर्ट से जा रही थी लेकिन उसके बच्चे सामने बैठे थे, लेकिन उस औरत ने एक झलक भी अपने बच्चे को देखना जरूर नहीं समझा, जो अपने बच्चों से पिछले 1.5 साल से दूर है, सॉरी 1.5 महीने से दूर है, उस औरत ने अपने बच्चे की तरफ एक तरफ झांकना भी जरूरी नहीं समझा। मैं चाहती कि इस सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ कि वो बच्चे को इग्नोर कर लिए, ठीक है। बहुत गलत कर रही है वो, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, उसे इसका पछतावा अब नहीं बाद में होगा। मैंने परवीन जैसा भी है उसका पति है, उसे सब कुछ भूल भाल के जो भी कुछ हुआ उस लड़ाई झगड़े को, मैंने आज भी ये बोला कि उन दोनों को अपना सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और साथ भी रहना चाहिए। जो कुछ परवीन ने किया वो मना कर रहा है कि आगे से मैं सब नहीं करूँगा। तो ज्योति को भी उसे एक मौका, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ज्योति को एक मौका देना चाहिए, ज्योति को परवीन को एक मौका देना चाहिए अगर वो एक मौका मांग रहा है तो। अगर वो गलत करता है फिर भी, तो फिर ज्योति के साथ है सब लोग, लेकिन जब वो एक बंदा एक मौका मांग रहा है तो उसे एक मौका दे देना चाहिए, मेरी यही राय है। क्योंकि इन दोनों का कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो आने वाला टाइम है ना, जो इन बच्चों का जो फ्यूचर होगा ना, वो ये दोनों स्पॉइल करने लग रहे हैं। बच्चे कल बड़े भी होंगे, ये सब वीडियो भी देखेंगे, तो उस पे जो फर्क पड़ेगा ना उनके फ्यूचर पे, वो बहुत गलत पड़ेगा। मैं अभी बोलती हूँ ज्योति परवीन, अगर तुम दोनों सॉर्ट आउट कर सकते हो तो कर लो, वो बेस्ट ऑप्शन है और बेटर भी रहेगा तुम दोनों की लाइफ के लिए। इसलिए मैंने बोलता गलती ज्योति की भी है, गलती परवीन की भी है। दो आदमी, अगर बड़े आदमी, दो सामाजिक आदमी बैठकर अगर आपस में बात कर लें, कोर्ट कचहरी चक्कर में ना पड़े, तो शायद ही मामला वहां तक जाता ही नहीं। मैंने ये बोला था कि परवीन अगर मीडिया के सामने सब कुछ ना बोलकर, दो आदमी ज्योति के घर के बड़े और दो आदमी परवीन के घर बड़े, अगर इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता, इतनी बदनामी ना होती। मैंने ये बोला था, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों जो परवीन गलत है, मैंने ऐसा नहीं बोलता, मैं तो दोनों की गलती है, किसी की गलती कही है तो किसी की गलती कही है, गलती दोनों कर रहे हैं। और रही परवीन ने बोला था कल कि अगर वो सोच रहे हैं कि हम ज्योति की दूसरी शादी कर देंगे, ज्योति मुझसे डिवोर्स ले लेगी, ज्योति मुझसे डिवोर्स ले लेगी और दूसरी जगह बिठा देंगे, तो ये बहुत गलत डिसीजन है ज्योति तुम्हारा। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और तुम खुश रहोगी, तो बिल्कुल खुश नहीं रह सकती, ठीक है। जो इज्जत तुम्हारी परवीन के साथ रहने में है ना, वो इज्जत तुम्हें कहीं नसीब नहीं होगी। चाहे तुम किसी करोड़पति आदमी की शादी कर लोगी ना, तो वो इज्जत तुम्हें नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा पति परवीन है, पूरी दुनिया को पता है। और जो दूसरी होती है ना, वो दूसरी होती है,
या तो तुम्हें कुछ भी ताने नहीं मिलते होंगे, जब तुम्हें दूसरे के साथ भी होंगे ना तो जब तुम्हें देखना क्या ताने मिलेंगे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना कि मैं परवीन से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लूंगी, तो वो बहुत गलत डिसीजन होगा। और परवीन की ज्योति के जो मम्मी पापा है ना, मैं उनको ही बोलना चाहूंगी, अंकल आंटी ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत डिसीजन होगा। उन दोनों बच्चों की ने कोई गलती नहीं की है, उनको प्लीज सजा मत दो। अगर ज्योति कुछ दिन बहुत अगले मायके में रहना चाहती है तो मायके में रह ले, लेकिन दूसरी शादी ना करे, इन बच्चों को लेकर चली जाए, क्योंकि बच्चों का भी ना यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान, क्योंकि बच्चों का ना यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो बच्चों को लेकर प्लीज चली जाए, दो चार दिन घर रह ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी जगह शादी करने से ना बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ना ज्योति, अभी तुम्हारे मम्मी पापा है, अगर तुम दूसरी शादी भी नहीं भी कर रही हो ना, उसके उस फिर भी तुम्हारे लिए बहुत गलत डिसीजन है ये। अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा है, ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा भाई भी है, उसकी शादी भी होगी, उसकी वाइफ भी आएगी, मम्मी पापा रख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना भाई भाभी की, तो वो नहीं रख पाते। एक ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में तुम घर की रहो ना घाट की, ठीक है। इससे अच्छा तो यह है, तुम्हारी तो जिंदगी है, दो बच्चे हैं, उन बच्चों पर ध्यान दो, उनकी ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़कर उनकी परवरिश पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तुम्हारी परवीन के बीच जो भी कुछ है, कोई भी लड़ाई हो तुम्हारी परवीन की, लेकिन बच्चों से बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती। बच्चे जो है ना वो सब कुछ होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ा बड़ा ले ले, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे आप गलत ना समझे। मैं गलत कुछ नहीं बोल रही थी, मैं जो आज बोल रही हूँ वही कल बोलूंगी, हमेशा वही बोलूंगी। मैंने हमेशा ही चाहा है कि दोनों का घर बस जाए, दोनों साथ में रहें। मुझे इनसे ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि अलग रहे। मैं हमेशा से पिछले एक महीने से यही कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू कि दोनों साथ में आ जाएं, दोनों साथ में रहें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में वो दूर हो जाए और दोनों अच्छे से साथ में रहें। और अगर ज्योति तुम्हें चाह रही हो ना, सोच रही हो ना कि ज्योति को परवीन को डिवोर्स देकर दूसरी शादी कराएंगे, तुम्हारे घर वाले सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत करना। मेरी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो बिल्कुल मत करना इस काम को। परवीन ने कल बोल रहा था कि वे लोग सोच रहे हैं कि हम परवीन दूसरी शादी करा देंगे ज्योति की और उसको डिवोर्स दे देंगे। तो इस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपको कॉल एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, ज्योति मेरा पीछे दूध गर्म हो रहा है क्योंकि रात हो रही है और ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई थी। रात हो रही है, खाना बनाना है, सब्जी भी कट हो रही है, सब्जी बनानी है, खाना बनानी है, और दोनों बच्चे देखो खेल रहे हैं बाहर, ठीक है। देखो ज्योति, दोनों बच्चे खेल रहे हैं, कल तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, तुम्हारे बच्चे इतने बड़े होंगे और वो भी खेलेंगे, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा बहुत। तो प्लीज़ अपने घर आ जाओ और दूसरी शादी करने का डिसीजन बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत करना दूसरी शादी, क्योंकि दूसरी शादी करने से कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।